रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी सी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि इसके परिवार के लोग किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? ये झूम खेती कर रहे हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? रिंझा का परिवार झूम कृषि कर रहा है। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसका आंसर बना लीजिएगा। गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के उन राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? अब गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि वह कृषि है जिसमें भूमि के टुकड़े पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण किसान अधिक से अधिक पैदावार करना चाहते हैं। इसके लिए वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कृषि के नए तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, हाइब्रिड बीज, समय समय पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के द्वारा अधिक लागत लगाकर अधिक से अधिक पैदावार उत्पन्न करते हैं, ताकि भूमि पर जो जनसंख्या का दबाव हो है उसके लिए खाद्यान्न अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके। क्या आप भारत के उन राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। इसका कहना ये है कि दिन प्रतिदिन भूमि का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन था, उसके चार लड़के हुए तो चारों लड़कों में वो 2.5 बीघा जमीन करके बांट दिया, उनके 2-2 बच्चे हुए तो उनको वो आधा आधा करके बांटा। इस तरह से दिन प्रतिदिन भूमि का आकार जो है वो छोटा होता जा रहा है, जो खेती के लिए अनुपयुक्त है। इसके लिए किसान उस छोटी सी जमीन के टुकड़े पर अधिक से अधिक लागत, हाइब्रिड बीज, नए टेक्नोलॉजी को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं और उत्पादन करते भी हैं, जो कि पर्यावरण के लिए और शरीर के लिए भी हानिकारक हो रहा है। भूमि का आकार छोटा होता जा रहा है और किसान के पास वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है, जिसके कारण किसान नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक पैदावार उत्पन्न करना चाहते हैं और अधिक से अधिक आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। अब है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है।
अब वाणिज्यिक कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि व्यापार के लिए मुख्य रूप से की जाती है। इसके लिए किसान जमीन के टुकड़े पर जो उनके पास भूमि है उसमें अधिक से अधिक लागत लगाते हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छे पैदावार के लिए हाइब्रिड बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद इन सब का प्रयोग करते हैं, समय समय पर सिंचाई करते हैं, नए तरीके से फसलों को उगाते हैं ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो और उसको वो बाज़ार में बेच सकें और अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अलग अलग उदाहरण के लिए अब जैसे पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है, लेकिन वहां के किसान चावल को अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक चावल का उत्पादन करते हैं और बाज़ार में सप्लाई के लिए बेचते हैं। आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? इन सभी मुख्य बिंदुओं को आप लोग नोट करके उसका आंसर बनाइए और हमारे पास भेजिएगा। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में बिक्री के लिए होता है, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। यह खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के फसल बोया जाता है और रोपण कृषि में जो प्राप्त माल होता है उसको उद्योग में कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है। इसके लिए अत्यधिक पूंजी, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक लागत लगता है। इससे पैदावार भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे प्राप्त जो फसल होते हैं उसको लोग खाने पीने के लिए, क्योंकि ये खाद्यान्न फसल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत जिसका उपयोग हुआ तो लोग घर में रखते हैं और बाकी सारा इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योग के लिए किया जाता है। तो फसल का उत्पादन होते ही उसको बेच दिया जाता है और काफ़ी इससे लाभ भी होता है। इस प्रकार की कृषि में कौन कौन से फसल आते हैं? तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। चूँकि रोपण कृषि में बिक्री के लिए खेती होता है और हमारे यहाँ केले की खेती एक रोपण कृषि के रूप में होती है, तो ये सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसके विकास में परिवहन, संचार के साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, क्योंकि अगर फसल तैयार किया जाता है तो उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन, संचार के साधन महत्वपूर्ण साधन होते हैं, तभी इसको बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग शस्य प्रारूप पढ़ेंगे। ऐसे तो भारत में कई तरह की ऋतुएं होती है, लेकिन कृषि की दृष्टि से हम भारत में ऋतुओं को पढ़ेंगे जिसे शस्य प्रारूप कहा जाता है। अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों
की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्त्र प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है, रबी, खरीफ और जायद। कृषि की दृष्टि से भारत में मुख्य 3 ऋतुएं हैं, कौन कौन? रबी, खरीफ और जायद। इन्हीं सभी ऋतुओं में अलग अलग तरह के खाद्यान्न फसलें, फल सब्जियां, नगदी फसलें, वाणिज्यिक फसलें, ये सब उगाई जाती है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रबी फसल। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से सितंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से आने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों में वृद्धि की महत्वपूर्ण कारक हैं। अब रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और हमारे यहाँ तो मार्च से अप्रैल तक में काट लिया जाता है, लेकिन इसमें मार्च से जून तक का महीना बताया गया है। रबी की मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, मक्का, आलू ये सभी मुख्य फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, देश के बहुत बड़े क्षेत्र में ये बोई जाती है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये सभी फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है। कौन सी फसलें? रबी की फसलें। गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं ये सभी। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से आने वाली हवाओं के कारण जो मानसून वर्षा होती है इन सभी फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। इस कारण इन सभी राज्यों में रबी की फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक बना है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं खरीफ फसलें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में भी बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, आस, अमन और बोरो बोई जाती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खरीफ फसल को समझ लें। खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो मानसून के आगमन के साथ, जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है जून से जुलाई के मध्य, 15 जून से 15 जुलाई के मध्य जब वर्षा ऋतु आरंभ हो जाता है तो मानसून के आगमन के साथ ही इन फसलों को खेतों में लगाया जाता है। इसमें मुख्य फसल है
चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ मूंग की खेती जायद फसल में होती है, उड़द की खेती रबी फसल में की जाती है। चावल की खेती मुख्य रूप से भारत के किस किस क्षेत्रों में होती है, तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से धान की खेती या चावल की खेती होती है। लेकिन कुछ वर्षों से पंजाब और हरियाणा में भी चावल की बहुत अधिक पैदावार हो रही है, वहाँ का मुख्य फसल बन गया है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की मुख्य तीन फसलें हैं, जिसका नाम है आस, अमन और बोरो, मुख्य रूप से बोई जाती है। अब है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल, जिसको जायद फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग एक वर्ष लग जाता है। अब जायद फसल किसको कहते हैं? जायद फसल रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच बोया जाता है, जब रबी फसल की कटाई हो जाती है और खरीफ फसल का भी समय नहीं होता है। तो यानी रबी फसल की कटाई के बाद और खरीफ फसल की रुपाई के पहले, उसके बीच का जो समय है उसमें इसको लगाया जाता है, यानी अप्रैल, मार्च से अप्रैल तक लगाया जाता है और जून तक इसको काट लिया जाता है। इन सभी फसलों को होने में, तैयार होने में बहुत कम समय लगता है। इसके मुख्य फसल हैं तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां इत्यादि हैं। हमारे यहाँ बिहार में इस सीजन में मूंग की खेती होती है, मक्के की भी खेती होती है और धान की भी खेती होती है जायद फसल के साथ। मुख्य फसलें, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। अब खाद्य और अखाद्य फसलें क्या होती है? खाद्य फसलें जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, फल, सब्जी, ये सभी खाद्य फसलें हैं। अखाद्य फसलें जूट हो गया, उसके बाद कपास, रेशेदार फसलें, ये सभी अखाद्य फसलें हैं। रबड़, बांस, इन सब की खेती भी होती है हमारे देश में, लेकिन ये अखाद्य फसल हैं। इनको हम लोग व्यापार के लिए, वाणिज्यिक कृषि के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका उत्पादन सीधे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में चला जाता है।